पूरी दुनिया का न्यूज़पेपर हो या न्यूज चैनल, हर जगह कोरोना वायरस यानी COVID-19 की ही बातें हो रही हैं। तो आइए सीखे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कोरोना वायरस या COVID-19 में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि आपको न्यूज सुनने या न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो सके। पहला वर्ड है सोशल डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है समाज से दूरी। दूसरा है कम्युनिटी स्प्रेड, जिसका मतलब होता है लोगों से फैलाव, यानी लोगों के समुदाय से फैलना। और तीसरा वर्ड है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसका मतलब होता है कॉन्टैक्ट से पता लगाना, यानी संपर्क से पता लगाना। अगला वर्ड है क्वारंटीन, और इसका मतलब होता है अलग रखना या अलग करना। अगर हम बात सेल्फ क्वारंटीन की करें, तो इसका मतलब होता है खुद को अलग रखना या खुद को अलग करना। अगला वर्ड है सैनिटाइज, इसका मतलब होता है साफ सफाई करना। सैनिटाइजर का मतलब होता है साफ सफाई करने वाला। अगला वर्ड है इसोलेशन, जिसका मतलब होता है अलग करना या अलग रखना। जबकि अगर हम बात सेल्फ इसोलेशन की करें, तो इसका मतलब होता है खुद को अलग करना या अलग रखना। अगला वर्ड है इंडेक्स केस, पहला मामला या पहला हादसा। अगला वर्ड इंडेक्स पेशेंट, जिसका मतलब होता है पहला मरीज। अगर हम बात कॉन्टेजियस की करें, तो इसका मतलब होता है छुआछूत, यानी कोई ऐसी चीज जिसको छूने से फैलती हो। अगला वर्ड लॉकडाउन, जिसका मतलब होता है बंदी। अगर हम बात एपिडेमिक की करें, तो इस वर्ड का मतलब होता है महामारी, यानी एक बीमारी। पैंडेमिक का मतलब भी होता है महामारी, जबकि आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, यानी बैड इन्फ्लुएंस, बुरा प्रभाव। फोमिटाइज का मतलब होता है संक्रमित चीज, यानी एक ऐसी चीज जिसमें संक्रमण है, यानी वायरस है। और हमारा लास्ट वर्ड है वायरस, जिसका मतलब होता है संक्रमण, और कई बार वायरस को वायरस ही बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सभी वर्ड्स आपके बड़े काम के होंगे।